तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल से मुस्लिम देशों की जंग होगी आर पार। इजराइल से जंग लड़ने के लिए हमास के लिए ईरान ने लड़ाकों की भर्ती की शुरू। अब तक 30 लाख से ज्यादा युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, इजराइल होगा खत्म। गाजा पट्टी पर बमबारी करना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल की बमबारी में इजराइल के 50 बंधकों की हुई मौत, हमास ने जारी किया वीडियो। कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत की सजा पर असुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी कहते थे कि इस्लामिक देश करते हैं मुझसे प्यार। इजराइल हमास की जंग के बीच सीरिया में अमेरिका ने किया हवाई हमला, ईरान के कई नेताओं को बनाया निशाना। अतीक अहमद की मौत के बाद अतीक अहमद के गुर्गे फैला रहे हैं प्रयागराज में दहशत। किसान को दी जान से मारने की धमकी, हवा में की फायरिंग। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं चीन पाकिस्तान, लड़ाकू युद्ध पोत लेकर निकला ड्रैगन, भारत की बड़ी चिंता। भड़क सकते हैं सांप्रदायिक दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम महापंचायत की अनुमति देने से दिल्ली में किया इनकार। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर हुआ रिलीज, सीमा हैदर को बताया गया पाकिस्तान का जासूस। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को जंग में हराने के लिए ईरान ने हमास के लिए लड़ाकों की भर्ती की शुरू। अब तक 30 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल से जंग जीतने के लिए अब ईरान ने एरी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना से मुकाबला करने के लिए ईरान ने हमास के लिए लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है और इन लड़ाकों की भर्ती में अब तक 30 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे ही इस बात की जानकारी मीडिया में आई तो इजराइल अमेरिका के होश उड़ गए और इजराइल को लगने लगा कि ईरान और हमास मिलकर अब मुझसे आर पार की जंग करेंगे और इस जंग में मेरी हार होगी। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल में सैनिकों की संख्या मात्र 40 लाख है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ईरान ने 30 लाख लोग का रजिस्ट्रेशन हमास के लड़ाकों के मामले में भर्ती करा दिया है। यानी ये 30 लाख लोग हमास की तरफ से इजराइल से जंग लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास पर बमबारी करना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल की सुबह की बमबारी में 50 बंधकों की हुई मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रही है। मुस्लिम देश सहित हमास लगातार हमले रोकने की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल उनकी बात नहीं मान रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने जो आज सुबह गाजा पट्टी पर बमबारी की है उसमें उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के द्वारा बंधक बनाए गए 200 में से 50 लोगों की इजराइल की बमबारी में मौत हो गई है और इसकी जानकारी आज हमास ने जारी की है। हमास ने बताया है कि इजराइल की बमबारी में सुबह 50 से ज्यादा बंधकों की इजराइल की मौत हो गई है। यानी इजराइल अपने ही हमले में अपने ही लोगों को मार रहा है। अब तक 220 बंधकों को इजराइल ने जो है इजराइल से हमास ने पकड़ा था और इन सभी को वो गाजा पट्टी ले आए थे। गाजा पट्टी में इजराइल बमबारी कर रहा है और इन्हीं बमबारी में 50 इजराइल के बंधकों की मौत हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कतर में 8 भारतीय 9 सैनिकों को सजाए मौत की सजा पर ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। जदूसा आपको बता दें कि कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। भारत के इस मामले को चुनौती भी देने वाला है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने संसद में जब इस मुद्दे पर चर्चा की तो सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस एआईएम समेत सभी दल इस पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर एआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था, आज उन्हें मौत की सजा दे दी गई है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का हार्ट अटैक से निधन। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन के पूर्व
प्रधानमंत्री ली केकियांग का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक केकियांग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV ने बताया कि ली केकियांग पिछले कुछ समय से संगाइयों में छुट्टियां मना रहे थे। उन्हें 26 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन 27 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में भी 22 में ही वो रिटायर हुए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीरिया में अमेरिका का बड़ा हवाई हमला, ईरान के संकनों को बनाया निशाना। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका ने सीरिया में आज बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान समर्थित हथियारबंद समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जंग के बीच मिडिल ईस्ट स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बीते दिनों कई रॉकेट मिसाइल अटैक हुए। राष्ट्रपति जो बाइडन के निर्देशों पर अमरीकी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सीरिया से लेकर इराक तक में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इसका अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की मौत के बाद गुर्गे फैला रहे हैं दहशत, किसान को दी जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन अतीक अहमद के गुर्गे लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहाँ जमीनी विवाद में अतीक के गुर्गों ने गुरुवार को फायरिंग कर दहशत फैलाई। अकरम नाम का किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अतीक के गुर्गे वहाँ आ धमके और किसान पर पिस्तल टानकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि गंगा के कछार में एक जमीन के विवाद में अतीक के गुर्गों ने फायरिंग और पथराव कर सनसनी फैला दी, साथ ही बाइक पर पथराव कर क्षतिग्रस्त उसको कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे चीन पाकिस्तान, लड़ाकू विमान युद्ध पोत लेकर निकला ड्रैगन। जो दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में चल रही जंग को लेकर एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ हमास इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासी हैं। इस बीच चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। ऐसे में भारतीय नेवी 8i निगरानी विमान और MQ-9V प्रोटेक्टर ड्रोन के जरिए चीन की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक गतिविधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं। ग्लोबल लेवल पर इसे भारत की जिम्मेदारी का क्षेत्र माना जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भड़क सकते हैं सांप्रदायिक दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम महापंचायत की अनुमति देने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक ना भड़काने की आशंका को देखते हुए रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कार्यक्रम के पोस्टर की जांच की और कहा कि इसमें सांप्रदायिक रंग हो सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को ऐसे समय आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब कई हिंदू धार्मिक त्यौहार आयोजित किए जा रहे हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभा पुरानी दिल्ली क्षेत्र में बुलाई गई है, जहां सांप्रदायिक तनाव होने की आशंका है, और इसी को लेकर कोर्ट ने मुसलमानों को पंचायत करने की अनुमति नहीं दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को भारत का ही बताया जासूस, कराची नोएडा फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर आ गया है। जाने फायरफॉक्स ने 3 मिनट का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म में सीमा हैदर के किरदार का नाम साइमा हैदर रखा गया है। गुलाम हैदर के रोल में बॉलीवुड एक्टर एहसान खान नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक के कई सीन दिखाए गए हैं। सीमा हैदर के अलावा सचिन मीना, सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर समेत कई किरदारों को दिखाया गया है। फिल्म में ऐसे डायलॉग दिखाए गए हैं जिस पर विवाद हो सकता है। यही नहीं, जिस सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका जताई जा रही है, उसे पुलिस में राह एजेंट दिखाया गया है, और ये राह एजेंट भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिखाया गया है। यानी सीमा हैदर को जासूस इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जानबूझकर गाजा पट्टी के मुसलमानों की हत्या कर रहा है इजराइल, UN चीफ ने जताई नाराजगी। जो दोस्तों आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद की बैठक में UN चीफ गुटेरस ने गाजा में गहराते संकट के बीच मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया।
और सुरक्षा परिषद से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन इस जंग में देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जो है इजराइल पर फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के नागरिकों की जान पूछकर हत्या करने का आरोप भी इजराइल पर लगाया है और इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा होते हुए देख नहीं सकते। नागरिक जो गाजा पट्टी में रह रहे हैं वो मासूम हैं और उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको भी इजराइल नहीं छोड़ा है और एयर स्ट्राइक में हमास के साथ उन लोगों की भी जान ले रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यूएन चीफ ने इजराइल के हमलों को गलत बताया है और इस पर नाराजगी जाहिर की है।